पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू को अब काफी समय हो चुका है। कुछ दिनों पहले खबर थी कि अंजू अपने बच्चों के साथ वेकेशन मना रही हैं। साथ ही साथ बीते दिनों ये भी अफवाह थी कि अंजू पाकिस्तान से आने के बाद प्रेग्नेंट है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी और कुछ ही दिनों बाद एक इंटरव्यू में खुद सामने आकर इस अफवाह को अंजू ने गलत बताया और इस पर रोक लगाई। अब एक बार फिर से अंजू सुर्खियों में है और वजह है कि उनको दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। ये वही अंजू हैं जो पाकिस्तान से लेकर पूरे भारत तक विशेष चर्चा बनी रही। अब अंजू और फातिमा दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी कर रही हैं और वो 8 घंटे तक रोज काम करती हैं। वहीं अंजू और फातिमा का पाकिस्तानी पति नसरुल्ला भी भारत आने के लिए बेकरार है, लेकिन वीजा के मामले ने उसे फंसा रखा है। अंजू ने यह भी खुलासा किया था कि नसरुल्ला ने भारत आने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नसरुल्ला के आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। नसरुल्ला से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाकर फातिमा बनने वाली अंजू ने बताया था कि पाकिस्तान में उसे 2 घर मिले थे। इनमें एक तो राजधानी इस्लामाबाद के पॉश इलाके में है, दूसरा प्लॉट है। एक घर अंजू तो दूसरा घर नसरुल्ला के नाम पर है। अंजू ने कहा कि उसकी गलत छवि बनाई गई है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। उसने कहा कि हर दिन कोई ना कोई हिंदू लड़की मुस्लिम बनती है और मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म अपनाती हैं, लेकिन केवल उसे ही गलत समझा गया। अंजू ने बताया कि उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया कि उसके 15 साल का पहले पति के साथ रिश्ता खराब रहा। अंजू ने कहा कि मैं लगातार परेशान रही, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना तो मेरे माँ बाप ने मेरी आवाज़ सुनी। मैं रोती रही, बिल खिलाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं भी अब किसी से बात नहीं करूंगी। आपको बता दें, इसी बीच अंजू और नसरुल्ला की शादी के बाद एक साथ रहने की योजना पर भारतीय पति अरविंद ने पानी फेर दिया है। अरविंद ने साफ कह दिया है कि वो अंजू को तलाक नहीं देगा। अरविंद भी अब अपने काम पर जाने लगा है और अंजू के तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर रहा है। अंजू ने मीडिया को एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने घर से ही नेटवर्किंग बिजनेस का भी काम कर रही हैं। इससे पहले अंजू एक कंपनी के लिए नेटवर्किंग का ही काम करती थी और इस दौरान उसकी नसरुल्ला से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और नसरुल्ला से मिलने के लिए अंजू पाकिस्तान चली गई थी। अंजू जब पाकिस्तान गई, उसी समय पाकिस्तान से अवैध तरीके से सीमा हैदर भी अपने बच्चों के साथ भारत आई थी। इससे अंजू का मामला पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगहों पर सुर्खियों में आ गया। अंजू ने कहा कि उसके दोनों बच्चे अभी उसी के पास हैं, लेकिन बाद में भिवाड़ी जाएंगी ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अंजू ने आगे ये भी कहा कि वो जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करेंगी। उसने ये भी बताया कि नसरुल्ला से शादी के पहले वो लोगों के पास जाती थी और उन्हें नेटवर्किंग बिजनेस से जोड़ने का प्रयास करती थी। अब आलम ये है कि लोग खुद ही उनसे जुड़ना चाहते हैं, इससे उनको काफी फायदा हो रहा है। अंजू ने ये भी बताया कि वो जल्द ही अपने बच्चों के स्कूल बदल देंगी। वही बच्चों के पालन पोषण की बात करें तो बीते दिनों एक इंटरव्यू में अंजू ने खुलासा किया था कि बच्चों के पालन पोषण के लिए वो और उनके पति साथ मिलकर खर्च उठाएंगे, साथ ही मिलकर बच्चों के हर खर्च को और पढ़ाई का ध्यान देंगे। ऐसी ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।